क्या आपको भी अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है? हाँ। क्या आपको भी प्रो प्लेयर बनना हाँ। है? क्या आपको भी हर एक मैच बुआ करना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो ये वीडियो देख लो और अपने आप को कभी कम मत समझना, आप ही हो अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स हाँ प्लेयर। तो हेलो गेमर्स, आई एम साहिल एंड यू आर वाचिंग सिटोन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आलोक और क्रोनो जो कैरेक्टर है उसके बिना हम बुआ कैसे करें, हम हर मैच बुआ कैसे करें, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास आलोक है क्रोनो है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि आपका कुछ जाएगा नहीं, आपके पास ही जाएगा, आपको ही बेनिफिट्स होगा, थोड़ी स्किल बढ़ जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर से देख लेना, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुआ होता कैसे। स्टार्टिंग से एंड तक रहना है हमें एंड तक लास्ट जोन तक सर्वाइव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना कोई मनपसंद प्लेस पसंद करो, ताकि आपको लैंडिंग करने में कभी भी ये ना लगे कि मैं कहाँ लैंडिंग करूँ। सबसे पहले अपनी प्लेस फिक्स कर लो कि हाँ यही पे मुझे उतरना है। जैसे कि मैं हर बार क्लॉक टावर पर उतरता हूँ और क्लॉक टावर पर सबसे पहले हाँ। और मैं एक बात बता दूँ कि आपको सारे प्लेयर जहाँ उतरते हैं वहाँ उतरना है, तो आप मस्ट भी कि आप फाल्को की स्किल यूज़ करें। फाल्को की स्किल यूज़ करने से आप जल्दी लैंडिंग कर पाओगे और आप जो हवा में है उससे भी मार पाओगे और जो नीचे है उससे पहले आप लूट कर सकेंगे। आपको फाल्को यूज़ करना चाहिए, जो पेट है फाल्को वो यूज़ करना चाहिए और अपने एक जगह फिक्स कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि किल ज़्यादा कैसे करें। हमको बुआ के साथ साथ किल भी करना है, तो किल कैसे ज़्यादा करें। तो सबसे पहले आप मान लो कि आप क्लॉक टावर पर उतरे और क्लॉक टावर पर से आपने मान लो कि सारे बंदे ख़त्म कर दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ही हो अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स प्लेयर, क्योंकि आपके पास नहीं आलोक है नहीं क्रोनो है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास आलोक और क्रोनो नहीं है, फिर भी हम बुआ कर सकते हैं। किसकी वजह से हम आलोक और क्रोनो पे डिपेंड नहीं है, हम हमारी स्किल पे डिपेंड है। इसलिए हमें भी अपने आप पे गर्व होता है कि हम अपनी स्किल से बुआ ले। इसलिए आप अपने आप को कभी कम मत समझना कि आप ही हो। मैं ऐसा कहता हूँ ना, आप अपने आप को भी बोल सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स प्लेयर हो। ये बात आप कभी मत बोलना कि आप प्लेयर एकदम प्रो प्लेयर तो आप ही हो, बाकी कोई है ही नहीं जो स्किल पर डिपेंड है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमें कोशिश से किस पर भी डिपेंड नहीं होना है, हम अपनी स्किल्स से आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पॉइंट लेते हैं कि आलोक की जगह क्या यूज़ करें। तो मैंने कई बार देखा है कि आलोक जितनी एसपी बढ़ाता है उतनी ही एसपी हमारा इनहेलर भी बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी आपको कोई गोली मारा हो और आपके पास ग्लू वॉल नहीं हो तो आप इनहेलर मार के अपनी एसपी रिकवर कर सकेंगे और उसी डायरेक्शन में आप भाग सकेंगे और आप अपनी पोजिशन पर आ सकेंगे और आप कवर में जा सकते हैं इनहेलर की मदद से। इसलिए मैं कहता हूँ इनहेलर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको उसे भी लूट लेना चाहिए, इट मीन्स कि उसे भी ले लेना चाहिए। और हम बात करते हैं क्रोनो की। क्रोनो में ऐसा है, देखो सबसे पहले तो आप ये बात छोड़ो कि मेरे पास क्रोनो नहीं है मैं जीत नहीं सकता, ये बात आपसे मगज में से निकाल दूँ। आप अल्ट्रा लेजेंड हो और रहोगे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो रोनाल्डो होता सॉरी क्रोनो होता तो आपकी स्किल्स कहीं ना कहीं पर कम हो जाती, ये आपने भी सुना ही होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास क्रोनो नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, हम हमारे स्किल पर डिपेंड है। और इससे आप क्रोनो में क्या होता है कि आपको कोई डर नहीं है कि मुझे कोई मार देगा, आप शील्ड ओपन की और वहाँ पे ही मेडिकेट मार सकेंगे। लेकिन आपको जो आपके पास क्रोनो नहीं है तो आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी पोजिशन लेने के लिए, कवर लेने के लिए आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए आपकी स्किल बढ़ेगी कि हमें कहाँ कहाँ कैसे जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी स्किल बढ़ेगी और आप ऐसा नहीं सोच सकोगे कि क्रोनो नहीं है तो बुआ नहीं होता, बुआ होता ही, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि क्रोनो नहीं है तो नहीं जीतेंगे, हाँ हमारी स्किल बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट पैसिव स्किल्स। एक्टिव की बात नहीं कर रहा, पैसिव के कौन कौन अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि सबसे पहले तो हयाटो हो गया, उसके बाद कैले तो हर कोई यूज़ कर ही लेता है। कैले तो बहुत ज़रूरी है अपने लिए जो स्पीड बढ़ा रहे हैं। फिर एंड्रयू जो हमारा वेस्ट 20% डिक्रीज कर देता है, इट मीन्स उस पर गोली लगे तो थोड़ा कम डिक्रीज होगा। उसके बाद अच्छा जो
एनिमी पर पॉइंट कर देगी कि कहाँ पे एनिमी जा रहा है, ये काम मिस कर रहे। तो ये 4 पैसिव स्किल्स मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहो तो वोकोंग को भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कुल होने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उससे लोग नहीं यूज़ करते। जो गरेना ने उसकी टाइमिंग भी फिक्स कर दी तो आराम से वो क्रोनो को हरा सकता है। अब हम बात करते हैं गन की स्किन के बारे में। तो आपने भी माना होगा, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि जो आपका गन पावर ज़्यादा हो, जो आपको स्कोप इन स्कोप आउट करने में आपको मज़ा आता हो, आप आसानी से कर सकते हो, तो आपको किसी भी स्किन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी गन हो आप चला सकते हो। आपका जो एम होता है वो एनिमी पर जाए, इसके लिए आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस मैचेस, क्लैश स्क्वाड रैंक मैचेस और क्लासिक रैंक, आप जो भी खेलो उससे हो जाती है, ज़्यादा टेंशन मत लो। और हाँ भाई लोग, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका लेवल 10 या 20 से कम है तो कोई चिंता मत करो, आप 50 तक आते आते आप पूरे प्रो प्लेयर बन जाओगे। ये मैं इसकी गारंटी लेगा कि आप पूरे प्रो प्लेयर बन जाओगे। ये गेम ही गेम का प्रकार ही ऐसा है कि वो लेवल कैसे बनाता है उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो ये थी थोड़ी यानी बातें जो आपको करनी थी, कैसे आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, गन के स्किन बिना कैसे आप बुया ले सकते हो। हर एसमेज बुया लेने की ट्राई ज़रूर करना, मुझे पता है देर लगती है सभी बैच बुया होने में, लेकिन ट्राई करना। आप टॉप 3 टॉप 5 में भी आ गए ना तो बहुत है, बुया उतना ही सर्वर हो जाता है, इसलिए आप मस्ट भी ट्राई करना कि आप टॉप 5 टॉप 4 टॉप 3 में आने की कोशिश ज़रूर करना। और अपने ऊपर विश्वास, आप यही मानना कि मैं ही हूँ अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स प्लेयर, ऐसा ही मानना। आप दूसरों को देख के मत करना, ऐसा ही मानना कि मैं ही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि आप जो ये वीडियो देखा ना, आप ही लोग हो अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स प्लेयर, आप ही हो। आप में ऐसा मोटिवेशन बढ़ के रखना और खेलना, अपनी पूरी जान लगा के खेलना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपके बुया निकालने में भी आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, ऐसा ही लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जो बताने की टेक्निक है, मेरी कॉमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, आपका लाइक एक बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर देना। हाँ, और मैं बता लूँ कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आ गई है और आने वाली है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबसे पहले वीडियो देख सको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने ऊपर विश्वास रखना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।